महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में आज दिन भर अदानी वापस जाओ, अंबानी वापस जाओ के नारे लगते रहे और ये नारे याद दिला रहे थे जैसे कभी बहुत साल पहले, आज़ादी के पहले, अंग्रेजों वापस जाओ या फिर साइमन कमीशन वापस जाओ, तमाम सारे जो नारे लगते थे ये वही देश है जहां पर अब अदानी वापस जाओ, अंबानी वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। महाराष्ट्र का आज का दिन बहुत ही गहमा गहमी या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाला आज का दिन रहा, क्योंकि आज महाराष्ट्र प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी हैं, तमाम जो क्षेत्रों में कार्यरत हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे वितरण में हो, तमाम कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक आपातकालीन बैठक बुला ली है। इस हड़ताल को देखते हुए जो ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई है उसमें बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कर्मचारी जो हैं वो इस विरोध के लिए सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने अपना विरोध शुरू कर दिया है। विरोध इस बात का कि जो महाराष्ट्र की जो सरकारी वितरण कंपनियां हैं, जो सरकारी संस्थान है, जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं, उनको महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो बीजेपी और शिवसेना नई वाली शिवसेना की जो सरकार है, उस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तमाम इस क्षेत्र को जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, तमाम आम लोगों के जो मिल्कियत के जो क्षेत्र हैं उसको अदानी को वो दे देंगे और वो निजी तरीके से उस कंपनी को चलाएंगे। मुंबई, नवीन मुंबई आणि ठाणे किंवा नागपूर सारखे जे काही महानगर आहेत, तर हे शासनाने त्यांच्या निगलगट्ट धोरणामुळे अडाणी अंबानी देशामधल्या ज्या काही मुठीभर लोकांना, ज्या शासकीय मालकीच्या ज्या कंपन्या आहेत, तर त्या त्यांना देण्याचा कट चाललेला आहे। त्याच्या विरुद्ध आम्ही शासनासोबत वारंवार विनंती करून सुद्धा शासनाने आमची भूमिका न ऐकल्यामुळे आम्हाला ही एक स्टेप घ्यावी लागली आणि शासनाच्या विरुद्ध संप पुकारावा लागला। कारण आता जे आम्हाला स्वस्त दरामध्ये वीज उपलब्ध होत आहे, तर ती जर अडाणी अंबानीला दिली, कारण की जे काही हे लोक आहेत त्यांचा फक्त एकच उद्देश आहे की फक्त पैसा कमावणे आणि स्वतःचं भलं करणे, यांना सामान्य जनतेबद्दल काहीही घेणे देणे नाही। तमाम लोगों की आशंका ये है कि अब जिस तरह से जियो के या तमाम जो दूसरे टेलीफोन मोबाइल के जो डेटा है उसका जिस तरह से दाम बढ़ा है, उसी तरह से बिजली के दाम भी अब बढ़ के आने लगेंगे और जो जनता है उसको इसकी मार झेलनी पड़ेगी। वहीं पर कर्मचारियों को भी अपनी छटनी हो जाने का डर सता रहा है। एक तरह से यूं कहें कि जो सरकारी कर्मचारी वो निजी क्षेत्र के जो मालिक हैं उनके नौकर बनकर वो रह जाएंगे, इसका डर सता रहा है। और एक बार फिर जो यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है। यही बात कुछ दिनों पहले जो एयरलाइंस का निजीकरण हुआ, उसके पहले जब BSNL का यह हाल हो रहा था, रेलवे का जब निजीकरण हो रहा था, तमाम जो क्षेत्र हैं उसके निजीकरण जब हो रहे थे, उस वक्त वहां के कर्मचारी भी कुछ इसी तरह से आवाज़ उठा रहे थे। हड़ताल को रोकने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने अत्यावश्यक सेवा कानून यानी कि MESMA लागू कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है और महाराष्ट्र के जो बिजली कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले गए हैं और इस कारण से कई शहरों के लोग बिजली गुल होने से परेशान हो रहे हैं। चंद्रपुर, सोलापुर, पुणे, बुलढाणा, अहमदनगर, नागपुर, वाशिम, अकोला, रत्नागिरी और सातारा के लोग बिजली की समस्या का आज सामना कर रहे हैं। अदानी पावर कंपनी ने महाराष्ट्र के विभिन्न महावितरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में समानांतर लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग को आवेदन दिया है और संगठनों का आरोप है कि जल्दी ही अडानी ग्रुप भी इसका अधिग्रहण कर सकता है। और इन नारों के गूंजने से एक बार फिर लगने लगा है जैसे कि आज़ादी की ये तीसरी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
अब ये हड़ताल कितनी कारगर होगी फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारी इन दिनों सड़कों पर हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अदानी अंबानी गो बैक के नारे लगा रहे हैं, और इसमें जो उनका साथ तमाम लोग किसान भी दे रहे हैं, और इस वक्त अगर देखें तो ऊपर वाला यानी कि सूरज भी जो है उनके साथ है। आज पूरे दिन बदली छाई रही, लग रहा था कि वो ये चाह रहा है कि जो सोलर पैनल है वो भी बंद हो जाए ताकि लोगों को दिक्कतें हों और लोगों को समझ में आए कि निजीकरण का क्या असली क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या असर हो सकता है। ये स्थिति फिलहाल इस वक्त तो चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है।